ये है कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज के आकार का अनुपात 3:2 है, जो कि यदि झंडे की लंबाई 6 फीट है तो चौड़ाई 4 फीट होगी। झंडे की ऊपरी पट्टी केसरी रंग की, निचले पट्टी हरे रंग की और मध्य भाग की पट्टी हमेशा सफेद रंग की होगी। सफेद पट्टी के अंदर एक नीले रंग का चक्र होगा जिसमें 24 तिलियां होगी। झंडा ऊनी सूती खादी या सिल्क का होना चाहिए। झंडे पर किसी प्रकार के अक्षर नहीं लिखने चाहिए। पोशाक के रूप में या बंधनवार फीता या झंडिया बनाने या किसी दूसरे प्रकार की सजावट के लिए झंडे का प्रयोग नहीं किया जाए। क्षतिग्रस्त झंडे का उपयोग नहीं किया जाए। झंडे का ऊपरी भाग नीचे नहीं होना चाहिए और न ही झंडे को कभी जमीन से स्पर्श करना चाहिए। सम्मानपूर्ण स्थान पर ही झंडे को फहराना चाहिए। ये झंडे से रिलेटेड कुछ मुख्य बातें हैं जो हम लोग को अच्छा सा याद होना चाहिए। अब आप लोग झंडा यहाँ फहराते होंगे, बट कहीं कहीं स्कूलों में देखते हैं कि परमानेंट झंडा लगा हुआ होता है ना। तो झंडे को लगाने का, उतारने का, फहराने का तरीका है। तो मैं सबसे पहले आप लोग को झंडा लगाने का तरीका बताऊंगा, जो कि मेरे जवानों द्वारा आपको दिखाया जाएगा। बच्चों आराम से हो जाओ, आराम से विश्राम मेटीज।
बच्चों आपने झंडा लगाने का तरीका देख लिया, अब डेमो के रूप में झंडा फहराने का तरीका मैं दिखाऊंगा, जिसमें प्रिंसिपल मैम आएंगी और झंडा फहराएगी। इसी बीच में राष्ट्रगान बजेगा, आप लोग को उसके साथ साथ राष्ट्रगान गाना है तथा सावधान होना है। मैम प्लीज। बच्चों यह प्रदर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। आप लोग का जो जोश था बहुत अच्छा था, है ना। मैं दूसरे स्कूल में से भी होके आ रहा हूँ, बट वहाँ से आप लोग का जोश बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा से आप लोग ने सीख भी रखा है, और अगर कुछ कमियाँ भी होगी तो मुझे उम्मीद है कि आप उसको सीखेंगे और जो हम लोग ने ड्रिल बताया उसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद सभी का।